मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे सब्सक्राइबर्स, आज मैं एक विषय पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो है कि यदा कदा हम पाते हैं कि हमारे गर्दन में कुछ गांठें हमको महसूस होती है, हम ऐसे फील करते हैं कुछ गांठें महसूस होती हैं। तो ये जो गर्दन की गांठें होती हैं, ये एक सामान्य छोटे मोटे बीमारी में भी हो सकती हैं, या तो किसी और बड़ी बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकता है। इसलिए जब किसी को भी ये गर्दन में ऐसे गांठें फील हों, तो उसके लिए आप तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए आपको। अब ये गर्दन की गांठें होती क्या एक्चुअली ये हमारे शरीर में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर आप देखते हैं कि हमारे गर्दन में नॉर्मल तौर पर हमारी गर्दन में ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी गांठें होती हैं। ये पूरे शरीर में होती है, पर यहाँ हम मैं गर्दन की गांठों की बात करता हूँ। इन्हें कहते हैं हम सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब बेसिकली लिम्फ नोड क्या होता है? हमारे शरीर में जैसे आर्टरी होती है, वेन होता है, वैसे एक लिम्फेटिक चैनल होता है, जिसका एक फ्लूड सीक्रेट होता है, जिसे कहते हैं हम लिम्फ। लिम्फ का जो वर्ड है वो साधारणी वाटरी के तौर पे होता है, क्योंकि ये पानी की तरह का द्रव्य होता है। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें हमारे शरीर में जब कभी किसी बैक्टीरिया का जब हमारे शरीर में प्रवेश होता है, तो वो उसके लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी WBC सेल्स की मात्रा होती है। अब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं इन्फेक्शन हुआ, या तो कुछ ऐसी चीज़ों का इन्फेक्शन हुआ, या तो जैसे कुछ कैंसर हुआ कभी कभी, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो लिम्फ नोड है, ये उसे लड़ने की कोशिश करती हैं। जब ये उसे लड़ने की कोशिश करती हैं, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये गांठें जो है बढ़ जाती, गांठें हमें फील होती हैं। शरीर में बहुत बड़ी लिम्फ नोड थी, जो हमारा टॉन्सिल जिसे कहते हैं, वो भी एक लिम्फ नोड है। एक बहुत बड़ा लिम्फ नोड है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, जो कि हमारे खराब सेल्स को तोड़ने में मदद करता है, नई सेल्स बनाने में मदद करता है, साथ में वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। उसी तरह से ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जब शरीर में कभी इन्फेक्शन प्रवेश करता है, तो हम जगह जगह पर लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। ये गर्दन का एरिया का जो लिम्फ नोड है, बेसिकली अगर हमारे मुंह में, गर्दन में, या इसके आसर में, आसपास के एरिया में कहीं भी इन्फेक्शन या सूजन वगैरह कुछ होती है, तो वो हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं। या तो फिर और कहीं पर, जैसे कि टीबी का, कैंसर का फोकस है कहीं और, लीवर में, पेट में, कहीं और, तो वो अभी हमारे आकर के उसकी वजह से भी लिम्फ नोड हमारे जो है बढ़ जाते हैं। उसी तरह से एक्सिला में लिम्फ नोड होते हैं, छाती में लिम्फ नोड होते हैं, ग्रोइन में लिम्फ नोड होते हैं, पूरे शरीर में एक लिम्फेटिक नोड का चैनल बना रहता है। हम अक्सर अब छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब देखिए इसके गर्दन में गांठें हो गई, हम देखते हैं गांठें फील होती है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कहीं उस मरीज को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसमें मुंह का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, स्काल्प का इन्फेक्शन हो सकता है, और टॉन्सिल का हो सकता है, आपको मुंह में छाले हो सकते हैं, और इसी तरह का अगर कुछ इन्फेक्शन, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस इन्फेक्शन होता है, तो ये लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक हफ्ता या 10 दिन का एंटीबायोटिक का ट्रायल देते हैं, और देखते हैं कि ये लिम्फ नोड का साइज घट रहा है कि नहीं। अगर ये घट जाता है, तो मामला वही खत्म हो जाता है, हमें और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी को काफी लंबे समय से ये लिम्फ नोड है, और साधारणता यूज करने वाली दवा इसमें अगर असर नहीं करनी है, तो हमको रूल आउट करना है दो चीजें। कहीं ये टीबी की गांठ तो नहीं है, या तो ये कहीं शरीर में किसी पार्ट का कैंसर तो नहीं है, या तो लिम्फ नोड्स में ही जो लिम्फोमास होते हैं वो तो नहीं है। ये तीन चीज हमको रूल आउट कर लेना होता है। अब ये रूल आउट हम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमको जैसे छोटे बच्चे में, यंग एज में, एक उम्र में, हम मेरी वीडियो है, मोंटू टेस्ट है, मोंटू टेस्ट करके देख सकते हैं, या तो फिर उचित होगा अगर हम इस लिम्फ नोड से सुई की जांच, जिसे हम FNAC कहते हैं, सुई के जांच से हम देख सकते हैं। उसमें अगर ये टीबी के कीटाणु हैं, तो ये टीबी के लक्षण हैं, तो हमको साफ साफ समझ में आ जाता है ये टीबी की गांठ है। या तो कहीं के कैंसर अगर फैल करके वहां आया हुआ, तो वो कैंसर की भी पुष्टि हमको हो जाती है, ये कैंसर की गांठ है, फिर हम उसमें स्क्रीन करते हैं बॉडी का, ये वहां तक पहुंची कैसे। तो इस तरह से अगर आप लिम्फ नोड गांठें बढ़ जाती हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बहुत ज्यादा कॉमन होता है इन्फेक्शन, जो कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, और विषय है जो कि ट्यूबरक्लोसिस और टीबी की जो ये गांठें होती हैं, ये जब तक आप मरीज को ATT या टीबी की दवा नहीं देंगे, वो गांठें ठीक होने वाली नहीं है। अगर आप इन गांठों को छोड़ देते हैं, तो ये गांठें अपने आप में ऐसी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, यही जो बड़ी बड़ी गांठें आपको फील होती है। अब ये जो टीबी की गांठ क्या होती है,
टीबी की गांठें क्या होती हैं, धीरे धीरे ये आपके गांठें बढ़ करके ये सारे जो लिम्फ नोड है आपस में उलझ जाते हैं, जिन्हें मैटिंग कहते हैं हम, सारे लिम्फ नोड आपस में उलझ जाते हैं, ऐसे लिम्फ नोड उलझ जाते हैं और ये चमड़ी की तरफ खुलना शुरू कर देते हैं। ये जैसे स्किन है, खुल करके ये यहाँ पर ऐसे पस की एक पॉकेट बना देते हैं। अब यहाँ हमको पस का पॉकेट दिखता है, दरअसल वो अंदर से आई हुई टीबी की गांठ की वजह से यहाँ पर पस का पॉकेट बन जाता है, जिसको कि हम ट्यूबरकुलर एब्सेस कहते हैं। ये किस तरह का एब्सेस होता है, इसका नाम होता है कॉलर स्टड एब्सेस, जो कि संभवतः ये इस तरह से इसकी ग्रोथ होती, अंदर गांठें होती, बाहर ये जो है पस आ जाता है। अब ये जो अगर हमको ट्यूबरकुलर एब्सेस डायग्नोस होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हमको ड्रेन करने की जरूरत होती है, तो ड्रेन करने के लिए हम इसका एंटी ग्रेविटी, हम इसका ड्रेनेज करते हैं, हम ऊपर की तरफ से सुई डालते हैं और इसको एस्पिरेट कर लेते हैं सारा इसका जो भी पस होता है और इसको हम जांच के लिए भेज देते हैं। पर यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती है, ये फिर पस बना देगा, इसलिए हमको डायग्नोस करना जरूरी है कि ये टीबी की गांठ है और फिर हम उसको टीबी की ही दवा देंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। अगर ये गांठ किसी तरह से भी पता चलता है कि ये कैंसर की गांठ है तो हमें पता लगाना पड़ता है ये वहां से वहां तक पहुंची कैसे, क्या भोजन नली में या सांस की नली में या पेट में या तो गर्दन में या तो कहीं और से भी, छाती से कहीं और से भी आकर के जो वहां पर पहुंची है, तो हमको एक डायग्नोसिस में मदद मिलती है। कभी कभी डॉक्टर FNAC करना संभव नहीं हो पाता है तो वहां पर वो इसकी एक गांठ को छोटा सा चीरा दे करके निकाल करके उसको जो एक्सीजनल बायोप्सी कहते हैं, हम बायोप्सी करके पता लगाते हैं ये गांठ किस तरह की है। इसलिए जब कभी गर्दन में गांठ हो तो आप लापरवाही मत कीजिए, छोटे बच्चों में बहुत काफ़ी कॉमनली पाई जाती है, आप डॉक्टर से मिलिए और इसका तुरंत इलाज कराइए। होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, मैं इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड इश्यू लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।